लेते हैं अपन। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, इस बार देखेंगे आप एग्जाम का नंबर आता। कौन सा था एग्जाम का नंबर दो? एग्जाम का नंबर आपका, एक बार एग्जाम का नंबर बताइए, कौन सा एग्जाम का नंबर? थर्टी वन का। ओके, 31 का बी देखिए आप, वाई इक्वल एक्स माइनस टू की पावर सिक्स, एक्स माइनस टू की पावर सिक्स, एक्स माइनस थ्री की पावर फाइव, इक्वेशन था ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको 25 की मान और देखिए, ये क्वेश्चन है y इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 6, x माइनस 3 की पावर 5। आपको उच्चस्थ मान याद करना और निम्निष्ट मान लगाना है ठीक है। अब देखिए इसको अपन फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से करेंगे, प्रथम अवकलज विधि से करेंगे। मैंने मेथड को समझा था लेकिन उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, यहाँ पे चेक करेंगे कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका डिवाइड बाय डीएक्स करेंगे एक बार, तो ये ऐसा का ऐसा, इसका डिफरेंशियल 5 आ गया जाएगा, इसमें एक कम हो जाएगा, ये ऐसा का ऐसा और इसमें 6 आगे आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। वापस से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को ठीक है। अब देखिए इस पूरे में क्या को बनाना है, एक्स माइनस टू की पावर 5 को बनाना है, एक्स माइनस थ्री की पावर 4 को बनाना है। जब ये कॉमन लेने के बाद तो 5 बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, 6 बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 2 की पावर 5, x माइनस 3 की पावर 4, इसको सोल्व करेंगे 5x और 6x 11x, 11x माइनस का 20 और 18 10 28 ठीक है। ये डिवाइड बाय डीएक्स चलता है, उचित या निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं आप? देखिए ये बाई था आपका डीवाई बाई डीएक्स क्या इसका ठीक है, डिवाइडेड एक्स था तो ये ऐसा का ऐसा फाइव आ गया। ये तो मैंने कल ही करवा दिया, उचित या निम्निष्ट के लिए, उचित या निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका, उचित या निम्निष्ट के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइडेड एक्स को जीरो करेंगे, इस सारी जगह जीरो करेंगे, कितना आएगा आंसर, एक्स माइनस टू की पावर फाइव, एक्स माइनस थ्री की पावर फोर, इलेवन एक्स माइनस का 28 जीरो आएगा। या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, तो बताइए इसको जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी, इसको जीरो करेंगे तो थ्री आएगी, इसको जीरो करते 28 अपॉन जीरो। ये तो सारा मैंने कल ही करवा दिया था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं,
इसमें एक टू है, एक थ्री है, एक ट्वेंटी एट अपॉन टेबल है, ये माइनस इंफानेट क्यों जा रहा है, ये प्लस इंफानेट क्यों जा रहा है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, प्लस इंफानेट की जा रहा है, ये माइनस इंफानेट की जा रहा है। यहाँ पे आपका टू है, ये थ्री है, ये ट्वेंटी एट अपॉन ट्वेल्व, ये देखिए टू पॉइंट समथिंग आ रही है, इसको डिवाइड करेंगे टू पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो टू थ्री के बीच में होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एक्स इक्वल टू टू, आप इसमें रखेंगे, देखिए टू से इधर वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस वन माइनस कुछ भी हो सकता है, टू से छोटा वन रखे, इसके अंदर वन रखेंगे तो वन माइनस कितना है, माइनस है, मतलब पैराबोला हटा है और सर्कल हटा है, इलिप्स भी हटा है। देखिए यहाँ पे टू थ्री ये बीच में कौन था, यहाँ पे अपन टू से छोटा रखेंगे, देखिए वन माइनस टू ये नेगेटिव देगा, वन माइनस थ्री ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इलेवन को वन से ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे डिवाइड बाय डीएक्स आएगा, तो जीरो से क्या होगा बड़ा होगा। अब देखिए टू और ट्वेंटी एट अपॉन इलेवन के बीच में जैसे ये वैल्यू चली आएगी ट्वेंटी टू सिक्स फोर पॉइंट जीरो टू पॉइंट फाइव आएगा, टू पॉइंट कितना आएगा, फाइव के आसपास आएगा, ठीक है टू पॉइंट फाइव हो रहा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रखा टू पॉइंट टू टू रख दिया, टू पॉइंट टू रख दिया, उन दोनों के बीच में हो, यहाँ पे टू पॉइंट टू रखेंगे तो टू पॉइंट टू में से टू गया, ये पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव की पावर फाइव है, पॉजिटिव आएगा, ये देखिए टू पॉइंट टू में से थ्री गया तो नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव की पावर फोर है वो पॉजिटिव बन जाएगा, टू पॉइंट टू को इलेवन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इलेवन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर पॉइंट टू आएगा, माइनस के नेगेटिव आएगा, यानी कि ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में डीवाई बाय डीएक्स आएगा वो जीरो से क्या छोटा होगा। और इन दोनों के बीच में बात करेंगे, जैसे मान लो टू पॉइंट एट लग गया, इन दोनों के बीच में टू पॉइंट एट आएगा, कुछ भी रख सकते हैं, दोनों के बीच में आएगा टू पॉइंट एट, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव की पावर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा टू पॉइंट एट लगने के बाद, पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे डिवाइड बाय डीएक्स क्या है, जीरो से बड़ा है। अब थ्री से बड़ा है तो मान लो मैंने फोर रख दिया, फोर रखने का ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जब स्लोप, जब आपका स्लोप है वो कहाँ से कहाँ चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि अतः एक्स बराबर दो पर कुछ इष्ट होगा, कुछ इष्ट होगा, कुछ इष्ट मान क्या होगा बताइए, कुछ इष्ट मान क्या हो जाएगा, वाई पॉइंट,
आपको पता है x माइनस टू की पावर सिक्स था, x माइनस ए की पावर फाइव था, x की जगह आप दो रखने के लिए क्या हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x बराबर आप बात करेंगे 28 अपॉन 11 पे क्या होगा, पर क्या होगा, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव में टू की, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव पर निम्निष्ट होगा, क्या होगा, निम्निष्ट होगा। तो निम्निष्ट मान क्या होगा, निम्निष्ट मान की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे 28 अपॉन 11 रखेंगे, 28 अपॉन 11 माइनस 2 का स्क्वायर, 28 अपॉन 11 माइनस 3 का स्क्वायर, पावर 5, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 आ एलसीएम लोगे, 11 में से 2, 11 को 22, 6 की पावर 6 आएगा, 11 की पावर 6 आएगा 33, यहाँ पे 28 में से 33 का कितना आएगा 25 आएगा, माइनस की देखो यहाँ पे माइनस का 5 अपॉन 5 और 11 की पावर 5 आएगा तो नहीं आएगा, तो आंसर भी ऐसे ही आपके इसी को भी आपका आंसर है। देखिए क्या माइनस देखो आंसर क्या आ रहा है इसका, अच्छा इसमें गलत कर रखा है, देखो 6 की पावर 6 आएगा, यानी कि मैं कहाँ पे इधर लिख देता हूँ, ठीक है इधर लिख देता हूँ ना, यहाँ पे जो निम्निष्ट मान आएगा वो कितना आएगा, 5 बराबर माइनस आ जाएगा, माइनस की पावर 5 माइनस आएगा, 6 की पावर 6, 5 की पावर 5, 11 की पावर 11, ये होगा, ठीक है। एक आंसर ये है, और देखिए जब पॉजिटिव से पॉजिटिव, देखिए जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो साइन चेंज नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ना तो निम्निष्ट होगा x बराबर 3 पर, ना ही क्या होगा निम्निष्ट होगा, क्या बोलेंगे, तथा x बराबर 3 पर ना तो उचित होगा, ना तो उचित ना निम्निष्ट, बात समझ में आगे होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका 31 हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 32 पे आ जाइए, 32 वाला क्या है, आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है, मतलब कुल x की पावर x, एग्जाम्पल नंबर आपका 32 ले कर दिया y इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर x। अब आप मेरे को ऐसे बताओ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लोग लेना पड़ेगा, log y equal to x आगे आ जाएगा, log 1 upon x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 upon y divided by x आएगा, x ऐसा का ऐसा, log 1 upon x का करेंगे तो 1 upon x होगा, log x का 1 upon x होता है, 1 upon x का करेंगे तो minus का 1 upon x square आएगा, ये ऐसा का ऐसा, इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया है, log 1 upon x ऐसा का ऐसा, और x का कितना हो जाएगा log x,
एक्स ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा माइनस का वन प्लस लॉग वन एक्स आएगा फिर से ये आपका वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स बन रहा ठीक है ये तो चल रहा है एक काम कर सकते हैं लेकिन इसी अपन इसके भी अपन इसमें ऐसा भी कर सकते हैं एक्स लॉग कि एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस होगा माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस एक्स लॉग एक्स होगा थोड़ा सिंपल हो जाएगा अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग वाई का बना हो वाई होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स ऐसा कैसा बना हो एक्स लॉग एक्स ऐसा कैसा बना है एक्स एक्स चला जाए डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा माइनस का आएगा वन प्लस लॉग एक्स आएगा ठीक है अब क्या करेंगे अपन इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे वाई ऐसा का ऐसा माइनस वन और इसका करेंगे वन है वन का जीरो लोग इसका बना हुआ है फिर वन प्लस लोग एक्स ऐसा का ऐसा माइनस तो बाहर है ध्यान रखिए माइनस बाहर है माइनस को बाहर लिख दिया लेकिन अब यहां से वाई ऐसा था ऐसा वन का जीरो हो गया लॉग एक्स का वन अप हो गया वन प्लस लॉग एक्स ऐसा था ऐसा वाई का हो गया डी वाई डी एक्स ठीक है अब अधिकतम मान के लिए 25 या 19 के लिए क्या कर सकते हैं अपन 25 या 19 के लिए डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर देंगे अपन जीरो कर देंगे इसको जीरो करोगे तो क्या आएगा वन प्लस लेकिन यहां से माइनस वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू जीरो लॉग एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस का एक्स की वैल्यू आएगी टू की पावर माइनस वन वन अपॉन ई आ गया एक्स की वैल्यू वन अपॉन ई आ गई एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन अपॉन ई आ गई एक बार आप लोग इसका स्क्रीन छोड़ दें फिर अपन आगे चलते हैं x बराबर वन अपॉन ई पर क्या करेंगे अपन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चेक करेंगे आपका माइनस y ये वन अपॉन x है और x की जगह वन अपॉन ई रखेंगे तो कितना हो जाएगा वन अपॉन x की जगह ये ई हो जाएगा सिंपल और आपको पता है ये कब आया जब डी वाई बाई डी एक्स को क्या रखा आपको जीरो रखा आपने ये कब आया वन अपॉन ई कब आया जब आपने डी वाई बाई डी एक्स जीरो रखा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो ये सारा चालू हो जाएगा क्या बोल सकता हूँ मैं सिंपल जीरो लिख सकता हूँ माइनस वाई का मतलब क्या है वाई का मतलब था वन अपॉन एक्स की पावर एक्स तो आप रखोगे वन अपॉन ई की पावर मतलब वो कि इस वाई की जगह लग गया वो साथ में कि कितना आ गया माइनस ई की पावर वाला को ई क्योंकि कितना हो जाएगा ये ई की पावर वाला को ई प्लस वन जीरो से छोटा जीरो से छोटा जीरो से क्या छोटा है जीरो से जब छोटा है तो क्या हो जाएगा अतः एक्स बराबर वाला को ई पर दिए गए फल का मान
अधिकतम होगा, ठीक है, अधिकतम होगा या उच्चिष्ट होगा, कितना हो जाएगा वाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, बना करो एक्स की जगह बना करो ये रखेंगे, ये बना करो ये पावर बना करो ये आंसर। बात समझ में आ गई होगी, एक बार यस बोल दो, बात समझ में आ गई क्या? एक बार यस बोल दो, कमेंट कर दो कि बात समझ में आ गई क्या? और इस टाइप क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं क्या पर? क्वेश्चन नंबर आपका 33 वाला, किसी बिंदु से परवलय की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, किसी बिंदु से परवलय की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। आपको बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, बिंदु 0.1 पर बने x स्क्वायर इक्वल टू y। देखिए एग्जांपल नंबर 33 आपको पर बने दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू y, ठीक है, ये आपका पर बने है x स्क्वायर इक्वल टू y आपका परवलय है और बिंदु है 0.A, 0.A नहीं, हाँ 0.A, ठीक है, 0.A मतलब यहाँ पे 0.A न्यूनतम दूरी चाहिए, न्यूनतम दूरी तो मतलब वो परपेंडिकुलर दूरी हो, ठीक है, न्यूनतम दूरी क्या होगी, लंबवत दूरी होगी। बात को समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट मान लीजिए आपका ए है, ये मान लीजिए आपका बी पॉइंट है, ये तो आ गया। अब देखिए यहां पे अगर बात करें अपन, मान लीजिए कि अपन ने क्या किया, कोई पॉइंट लेट कर लिया, ठीक है, अपन ने पी पे क्या किया, एक पॉइंट लेट कर लिया, तो मान लीजिए आपका एच कोमा ए है, पी पर पॉइंट क्या लेट कर लिया, एच कोमा के लेट कर लिया, ठीक है, एच कोमा के लेट कर लिया। यहां पे अपन अगर अपने को एपी डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से लेट कर लिया, लेट ए पॉइंट, माना माना परवलय पर, माना परवलय पर कोई बिंदु एच और के है, ठीक है, कोई बिंदु पी एच और के है। अब अपन क्या करते हैं, एपी डिस्टेंस निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, h माइनस 0 का स्क्वायर, k माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, k माइनस a का स्क्वायर।
अभी डिस्टेंस आइए तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस टू ए के प्लस का ए स्क्वायर। अब आपका ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है वाई है। आप मेरे को ऐसे बताओ यहाँ में आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई था इसका मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए होगा भी वो। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है एच स्क्वायर इक्वल टू ए होगा क्योंकि ये पॉइंट इस परपेंडिकुलर पर होगा। परवलय के ऊपर होगा तो ये h कॉमन k है ये पॉइंट है ये परवलय है x स्क्वायर इक्वल टू y। इस परवलय को ये कोण क्या करेगा सेटिस्फाई मींस x की जगह पर लिख x रख दिया तो h का स्क्वायर y की जगह k आ गया। यहां से जो ap डिस्टेंस है कितनी आ जाएगी अगर अपन एक ही वेरिएबल में चेंज करते हैं इसको तो अपन क्या करेंगे k प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस का ए स्क्वायर ये क्या आ जाता है इस वन को नीचे लाते हैं नीचे ले लेना लाइक दिस का सेट बना। तो यहां पे k प्लस k स्क्वायर ठीक है माइनस 2k प्लस k स्क्वायर ये वाला एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको टाइम आउट हो गया है ठीक है इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है ओके थैंक यू सो मच थैंक यू।